गाड़ी अगर ई करी होगी लो इस तरह से पकड़ लेगी लो। अरे नतिया का बेटा रे लाड़ी रे चोरी हो कौन का बकरी रे लाड़ी हटा हटा नतिया के बेटा काम तो मुंह आ गए जी क्या ए नतिया की बेटा जीवन दान हम लोग उतना आएगा ना। अरे भाई जम सराबे दारो दारो पेला से नशा नहीं होता तहार दुनु भाई लून साला धुक धुक करे इसी तरह का एक मंत्र है। जो भी होगा कुछ धमाका होगा कुछ नया होगा जिससे दर्शक इंजॉय करेंगे। नमस्कार मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हम लोग कॉमेडी के ऐसे बहुत से कलाकारों से आप लोगों को मुलाकात कराएंगे जो लगातार यूपी बिहार में अपना जलवा बिखेरे हुए हैं। हम बात करने वाले हैं एनके बसंत और उनकी पूरी टीम की, जिनके टीम में चंदन जी हैं, रामू हैं और सनी भाई हैं, जिनका आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आज इनका इंटरव्यू मिल गया हमको क्योंकि ये आज एक शूटिंग कर रहे थे, आज इनका एक शूट भी था गेहूं का कटनी में। तो चलिए शूटिंग के बारे में जानेंगे और इनके जीवन में ये जो सफर स्टार्ट हुआ उसके बारे में इनकी जानकारी करेंगे। सभी टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने तेजस भारत के चैनल पे। शुक्रिया भाई, और तेजस भारत के थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं हमको और हमारे पूरे टीम को, सबको धन्यवाद करते हैं और आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आप इस योग समझे हमको कि आप इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ हैं। चलिए ये तो बात हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हम लोगों को भी दिया। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये है कि ऐसे क्या आपका मन में आपका ख्याल आया कि आप लोग इस क्षेत्र में आए? देखिए सबसे पहले तो हम सिंगिंग में थे, अभी कॉमेडी का हमको सी भी नहीं पता था। सिंगिंग में हम थे और सिंगिंग में जानते हैं इतना कंपटीशन चल रहा है कि शुरू से ही कंपटीशन चल रहा है इसमें। 2012 से हम सिंगिंग में थे तो शायद उसमें कुछ नहीं मिल पाया ना, फेम वगैरह जो भी है मतलब नहीं हो पाया। तो हम इसको अपना सिंगिंग भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, लेकिन कॉमेडी जब से ये वीगो आया 2019 में दिसंबर में स्टार्ट किए थे वीगो, और 20 तक सफ़र रहा मेरा एक साल का और वो भी बंद हो गया। तब से हम लोग जनवरी 2021 में हम लोग यूट्यूब, और काफ़ी सपोर्ट मिलता है भाइयों का। अच्छा आप लोगों का वो पहला वीडियो आप लोगों को याद है क्या जिसमें आप लोग शूटिंग किए थे, क्या वो कॉमेडी करके अपने दर्शकों को मेरे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे? जरूर जरूर भाई, देखिए वो हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे वीगो पे, तो वो क्या होता है ना कि जो देहात वगैरह में औरतें गाली देती है वो वाला मेरा वीडियो थोड़ा था। बता दीजिए इसको। तो उस गाली को तो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक और वीडियो मेरा वायरल हुआ था जैसे मैं एक सांस में बोलने का, जैसे कि जा तनी बनावे दाढ़ी, जाए ससुरारी साइकिले से चल जाए, ना मिली गाड़ी ससुर के नाम सुखारी, बोला ओले बड़े देवे के पड़ी, ना जब ससुरारी तो मऊगी बेलने बेलने मारे ही रोगवा भाई भाई सबका मिलेला परा परी, 6 महीने में मेहरा रू बना दिलस भिखारी, अब जा तनी उन्हें से हम तो बेचम कबाड़ी। ठीक है, वाह वाह बहुत काबिले तारीफ है कहीं। अच्छा ये बताइए आपके इस क्षेत्र में कॉमेडी के क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किनका मांगते हैं जो आपके जीवन में आपका साथ दिए हुए हैं और आप मनोबल आपका कभी गिरा नहीं? सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स का तो हम शुरू से अभी तक मेरा पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, और पेरेंट्स के बाद मेरा एक दोस्त है जो एनके आप लोग देखते हैं बसंत, एनके के बाद एनके आता है, शुरू से अभी तक वो साथ दिया है। चंदन भाई, सनी भाई, रामू ये लोग भी जुड़े 2021 में हमसे, लेकिन जो मेरा एनके जो है निकेश नाम है उसका, अभी फिलहाल वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, गया अपकमिंग कोई कॉमेडी आने वाली है क्या दर्शकों को बताने चाहते हैं? जरूर, अभी तो फिलहाल हम लोग शूट कर रहे थे, अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं के कटने वटने के शूट होता और बहुत आगे अच्छा अच्छा वीडियो आई आप लोग के चैनल पर भी, हमारा यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी, तो आप लोग देखें इंजॉय करें। एगो डायलॉग रुआ सुना दी अपन कोनो एकदम जो प्रसिद्ध वायरल और होखल हो एगो कोनो राव काय करे और भोजपुरी डायलॉग हमू देखे नी और हमू राव फैने वानी, तो जरूर एगो कोनो डायलॉग सुना दी ताकि हम दर्शक तक अपना चैनल के माध्यम से पहुंचा दी। जरूर, हम तो पहले ही बतौनी है कि देखिए हम देहात क्षेत्र के ज़्यादा वीडियो बनाए ले कि मैंने जगह अगर केहू झगड़ा होलन औरत में तो हम 2 मिनट वो खड़ा होकर देखी ले कि का करत है, तो गाड़ी उड़ी बड़ा भयानक, अरे रंगड़ी रे टू अरी इस टाइप से गाली वाली देते हैं ना, तो उसको हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो करते हैं कि उसको हम करते हैं और वही चीज़ हम अपने वीडियो में भी लाते हैं जी, और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं उस चीज़ को। मतलब देखा जाए, कह दिया जाए कि जो समाज में हो रहा है इनके बसंत उसी को ला रहे हैं, वही बात, वही चीज़ को ला रहे हैं। ये बोलते हैं कि गाना अश्लील हो रहा है, चाहे जैसे हम गाली वाला वीडियो बनाते हैं तो कितने लोग का कमेंट आता है भाई आप गाली बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन भाई ये तो देखिए कि हर एक गांव क्षेत्र में वो चीज़ होता है जो रियल चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं वही है, एकदम रियल चीज़ होता है। अगर किसी के खेत में बकरी वकरी चाहे भैंस वैंस पड़ जाओ, अब मेहरारू देख लिए तो डंटा लेकर
दौड़ियों से गाली देते जरूर। क्या एक्सप्रेशन रहता है आप देखे हैं करीब से, आप देखे भी है, कोई बकरी के खेत है, कोई बकरी पहुंचे तो क्या एक्सप्रेशन जाता है? एक्सप्रेशन ये रहता है ना कि औरतों का एक्सप्रेशन, साड़ी अगर ई करी होगी लो तो इस तरह से पकड़ लेगी लो, अरे नतिया का बेटा रे नाड़ी रे तू अरे कौन का बकरी रे नाड़ी हटा हटा नतिया के बेटा ना हम तो मुंह आगे हो जिके, इस टाइप से एक्सप्रेशन होता है और हम उसको देख करके काफी अच्छा लगता है और उसी को हम अपना वीडियो में भी डालते हैं। हार नहीं मानेंगे हम भाई, काम कर रहे हैं करते रहो, चाहे चले या ना चले हम इतना नहीं टेंशन लेते हैं। मेरा वीडियो चलता भी है, कुछ नहीं भी चलता है, लेकिन एक चीज़ की टेंशन होती है कि इतना स्क्रिप्ट पर मेहनत किए हम लोग, पूरा दिन शूट किए, पूरा धूप में काम किए, उसको एडिट करना है, पाँच पाँच छः छः घंटा बैठ करके सब कुछ होता है, लेकिन जब नहीं वीडियो चलता है थोड़ा दुख भी लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि इससे बेटर दें, बढ़िया इससे बेटर दें कि शायद पब्लिक को ये पसंद नहीं आया इस वीडियो में, कुछ खास नहीं था शायद इसलिए नहीं चल पाया। तो बस यही चाहते हैं कि कुछ नया नया देते रहें, और शायद आप लोग देखे भी होंगे कि आज तक सच बोल रहे हैं ईमानदारी से कि हम किसी का कॉपी ना करते हैं और ना ही करेंगे। वो तो देखा जाता है, नहीं कॉपी नहीं, ना ही किसी का कॉपी करते हैं और ना ही करेंगे, ये तो मेरा ये। कितने सारे लोग मेरा कॉपी करके वीडियो बनाते हैं। चलिए वो तो अच्छी बात है ना कि आपके भी मतलब कॉपी कर बच्चे आपसे भी सीख रहे हैं। वैसे भी बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और कॉमेडी के क्षेत्र में और भी लोग आए तो ये भी देखा जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि YouTube टॉप भी हो गया है, पहले से अभी तक टॉप हो गया है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि नए नए कलाकार बहुत सारे आ रहे हैं YouTube पे, और हम यही कहेंगे कि जितने भी कलाकार भाई आ रहे हैं आप लोग काम कीजिए और अच्छा से अच्छा काम कीजिए। और आप बोले बेरोजगारी को लेकर के, सही बात है भाई, बेरोजगारी नहीं होता तो इतने लोग इस पर नहीं आते। बस इन लोगों के मन में ये है कि हाँ वीडियो बनाओ पैसा आ रहा है इससे, लेकिन भाई अगर आपके पास कुछ है हुनर तभी काम कीजिए, नहीं तो हम नहीं कहेंगे कि भाई टाइम पास इसमें मत कीजिए। अभी देखा जा रहा है बिहार में 3 कॉमेडी स्टार निकल कर आ रहे हैं, आप हो गए, कृष्णा जैक हो गए, मनी महराज हो गए, क्या कभी फ्यूचर में देखा जा सकता है ये तीनों धुरंधर एक साथ नज़र आ जाए? जरूर, काहे नहीं भाई, तो हम लोग देखिए हम यही चाहते हैं कि सबसे मिल के काम हो जी। अगर एक होता है ना कि हम सिंगल कर रहे हैं तो थोड़ा मान लीजिए कि थोड़ा कुछ लोग जान रहे हैं, अगर तीन लोग ऐसे मिल जाएं कुछ लोग जानते हैं उनको, अगर तीनों एक होता है ना कि उस दिन मिलियन बिलियन सब पार कर जाएगा। एक चीज़ सुने होंगे कि अगर लकड़ी अकेला हो कोई भी तोड़ सकता है, अगर तीन वो चार वो लकड़ी एक साथ में रखेगा तो बहुत मजबूत होता है। तो शायद सब इकट्ठा होकर काम करें हमारे भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं यूट्यूबर हैं, तो शायद उससे बहुत बेटर होगा, जो भी होगा बेटर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का भी मैं कुछ बातें जान लूँ। चंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तेजस भारत देखने वाले सभी जनता को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। चंदन जी कैसा लगता है इनके वसंत के साथ काम करके? लगातार देखा जाता है कि आप इनके एकदम करीबी भी माने जाते हैं और हर एक वीडियो में साथ रहते हैं, और ऐसे भी देखा जाता है कि एकदम गाड़ी के पीछे इनके साथ ही एकदम, मैं क्या बताऊँ, बीरबल और एक छोटा वो क्या कहानी है, अकबर और बीरबल जो साथ एकदम वैसी टाइप का है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए काम करके तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है बसंत भाई के साथ, और हम लोग पहले मतलब ये अलग अपना बीगो बनाते थे, हम भी बीगो टिकटॉक बनाते थे लोग, तो जब बंद हो गया तो हम लोग आपस में मतलब उस समय हम लोग का मतलब कॉन्टेक्ट था, तो हम लोग आपस में राय किए कि यूट्यूब पर काम हो और साथ मिल कर काम करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बसंत जी का कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है? सभी कैरेक्टर अच्छा लगता है, कैरेक्टर कोई ख़राब नहीं होता है। मेरा मतलब वो नहीं था कि कौन सा कैरेक्टर, मेरा कहने का मतलब आप इनसे 100 वीडियो भी इनके साथ कर लिए हैं। हाँ। 100 वीडियो में ऐसा कौन सा एक जो अभी यादगार पल के रूप में बना हो, जो आप खुद ही देखकर शूटिंग के दौरान हंसे होंगे पूरा? ज़्यादातर इनका जो लड़की वाला होता है, औरत वाला, वो अच्छा लगता है, लेकिन करके बताइए कौन सा वाला दर्शकों को करके दिखाइए। नहीं तो कि बेटा जीवन डाला हम लोग उतना आएगा नहीं, लेकिन वैसे बोलते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और एक पियकड़ वाला है वो भी करता है, नहीं होता है हम लोग एक बनाए थे ऐसा, दारू का रहने देते हैं, दारू नीतीश कुमार जी बंद किए हुए हैं, उठाकर हम लोग को भी बंद कर देंगे कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार है। हम लोग तो अपना कॉमेडी करते हैं, करते हैं, लेकिन नीतीश बाबू हमारे जो है बंदी रखे हुए हैं, बंदे रहने दिया जाए उसको, ठीक ठाक चल रहा है बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामू जी आपको भी देखा जाता है कि आप एक महत्वपूर्ण अंग है इनके बसंत के, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमको काम करने में अच्छा लगता है।
आपका डायलॉग देख रहे थे अभी एक ठो वाला, वो डायलॉग को फिर से दोहरा दीजिएगा। अभी तो खुलासा नहीं कर सकते, कैसे दोहरा दीजिए। अभी चैनल पे मैं बता दूं कि आने वाला है बहुत जल्द एक नया वीडियो आप सभी के बीच में, थोड़ी सी झलक आप देख लीजिए। अभी एक जो वीडियो शूट हो रहा था तो इसमें हम बाबा बने हैं, बाबा बने हैं जी। अच्छा। और बसंत जी को चुड़ैल पकड़ ली, चुड़ैल पकड़ उतर, अभी उतर गया है ना जी, इंटरव्यू दिए है, उतर गया अभी, अभी तो इंटरव्यू लिए हम लोग उठा के पटकना पटकना चालू करती है। और उसमें बसंत जी हमको मारते हैं, चुड़ैल जो पकड़ लेती है तो बाबा उठ के भाग जाते हैं। इसी तरह का एक मंत्र है। और अच्छा लगा आप लोगों की टीम से मिलकर। क्या लगता है आप लोग सब टीम भोजपुरी का एक अलग टीम बनाइएगा का मूवी वूवी के क्षेत्र में जाकर? अब आगे का तो पता नहीं है, अब आगे देखिए कैसा क्या होता है। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो इनके बसंत कह रहे हैं कि धमाका होने वाला है। हाँ धमाका होने वाला है, लेकिन अभी तो खुलासा नहीं कर सकते हैं, आगे चल के कर सकते हैं। ना अभी तो परमिशन नहीं है बसंत भाई की तरफ से। अच्छा। परमिशन तो है नहीं तो हम लोग इसमें कुछ भी होगा, कुछ धमाका होगा, कुछ नया होगा जिससे दर्शक इंजॉय करेंगे। जैसे इंजॉय करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ एनके बसंत, चंदन जी, रामू जी, सनी भाई साथ में हैं और इनका धमाका आने वाला है। एक हम छोटा सा इंटरव्यू आप सभी के बीच में डाले, इनके जीवन का जो सफ़र चल रहा था और उसमें क्या क्या इनको पापड़ बेलना पड़ा। हर यूट्यूबर की एक अलग कहानी होती है, उसी प्रकार से एनके बसंत की टीम की भी एक कहानी है। ऐसे ही कलाकारों को हम आपके बीच लाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें दें अलविदा। जय हिंद, जय भारत।